आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम इक्वाले ज़री के मेरे तमाम प्यारे बहन और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफ़ियत से रखे, आमीन। नाज़रीन, आज एक सवाल आया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी लड़कियाँ फ्रेंच किस जानती हैं? क्या ये काम यक तरफ़ा होगा या दो तरफ़ा, ये भी बताएं। थोड़ी देर ऐसी हालत में लेटना कि दोनों की शरवारें नहीं होंगी। मेरा सवाल ये है कि बीवी तावन ना करे तो क्या करे? चलते हैं इस सवाल के जवाब की जाने। इस सवाल का जवाब ये है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें, शुक्रिया। सुहाग रात फ्रेंच किस होंठों पर किस करने की रात नहीं होती, बल्कि इम्तिहान की रात होती है। उस वक़्त कोई किस याद नहीं होती। ये ऐसा इम्तिहान होता है कि जिसमें नकल नहीं की जा सकती और ना ही कोई पीछे से बताने वाला होगा। लेकिन अगर आपकी बीवी ने आपकी बातों से आपको कबूल कर लिया तो फिर वलीमा और वलीमे के होने के बाद आपको ऐसी किस से ऐसा वास्ता पड़ेगा कि आप फ्रेंच किस होंठों की किस को भूल जाएंगे। याद रखें कि सुहागरात की बातें जो बीवी पर पहला असर डालती हैं वही बातें फैसला करेंगी कि बीवी ने आपको पसंद किया या नहीं। आपके साथ सेक्स में तावन करने का मूड उसकी पसंद और नापसंद पर होगा। अगर आप बातों के इम्तिहान में फ़ेल हो गए तो वो आपको अपना मुकद्दर समझकर कबूल करेगी, लेकिन दिल से नहीं करेगी। अच्छी हम बिस्तरी के लिए दिल को जीते। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फ़रमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन।